अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल रात से और आज सुबह से एक ही न्यूज़ वायरल हुई है हर जगह, हर सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह एक ही न्यूज़ के P2P बंद हो गया है, बैंक अकाउंट बंद हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी बैन हो रही है, और ऐसे यूज़र्स को डराया जा रहा है कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, उनको पता भी नहीं है, और जो है ना वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अब मैसेज आ रहे हैं सर कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो रही है, क्या हम अपना फ़ंड निकाल लें, अपने स्पॉट ट्रेडिंग से फ़ंड निकाल लें या क्या करें। भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो यार? आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोगों के पास अपना अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर फ़ंड रखा हुआ है, आप लोग सिक्योर हो, सेव हो। जो लोग P2P पे काम करते थे उन लोगों का अकाउंट बंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो लोग P2P काम करते थे, यानी कि पर्सन टू पर्सन और बैंक अकाउंट्स में पेमेंट मंगवाते थे और USDT ट्रांसफ़र करते थे लोगों को, तो उन लोगों के अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। जो लोग बेच रहे हैं उनके भी बंद किए जाएंगे, जो लोग खरीद रहे हैं उनके भी बंद किए जाएंगे। तो भाई चलते हैं हम चैप्टर की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सही तफसील से बताता हूँ कि क्या हुआ है और क्यों हो रहा है। उससे पहले अगर आपने अभी तक गेटवे टेक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखें मैंने P2P का एक चैप्टर ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां आपको दिखाने का मकसद क्या है कि ये देखें कि ये P2P का मैंने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। बेसिकली यहां पर अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले KYC करनी होती है। KYC में क्या क्या देंगे? आप अपनी पूरी NIC की डिटेल देंगे, शनाख्ती कार्ड की पूरी डिटेल देंगे, उसके बाद आप यहां पर अपना बैंक अकाउंट देंगे, बैंक अकाउंट को वेरीफाइड करवाएंगे, देन आपका अकाउंट यहां पर वेरीफाइड होगा, उसके बाद आप यहां पर P2P की ट्रेडिंग कर सकेंगे। अब देखें यहां पर इस बंदे ने 640 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, वकार नाम है। $1 की प्राइस यहां पर ₹188 इसने रखी हुई है और यहां पर उसके पास अभी बैलेंस यहां पर 2693 USDT है, यानी कि $2693 इसके पास अवेलेबल है। तो FIU को ये डाउट हुआ कि यार इनके पास ये फंड आया कहां से, इनके पास वो डिटेल तो है ही नहीं कि यार ये कमारे कहाँ से हैं, क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। जस्ट आपने यहाँ पर अपनी एक ट्रेड लगा दी कि भाई मैं इतने डॉलर सेल करना चाहता हूँ। अब होता है क्या है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत सारी स्कैमर बैठे हुए हैं, स्कैम वाली वेबसाइटें जो है ना उन्होंने चलाई हुई हैं। अभी रिसेंटली HFC देखें, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में चल रही थी, अब उसने कितना लोगों का जो है ना भरपूर डॉलर को लूटा है। अब वो लोग क्या करते हैं कि अब वो डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कैसे कन्वर्ट करें यार, कोई और लोकल एक्सचेंज में तो नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा। तो वो क्या करते हैं कि वो यहां पर P2P का अकाउंट बनाते हैं, वो यहां पर उसको वेरीफाई करते हैं और अपने डॉलर यहां पर सेल करते हैं, ठीक है ना, ब्लैक मनी को वो यहां पर वाइट कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर FIU ने क्या किया है कि अब आप लोगों के बैंक अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। तो वो लोग जिन्होंने यार जो बेचारे शरीफ हैं, जो बेचारे मासूम हैं, उनके भी अकाउंट बंद हो सकते हैं। तो वक्त ही आप लोग अपने अपने अकाउंट से फंड निकाल लें। ये फिलहाल उन लोगों के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है कि जो लोग स्कैमर हैं। अब ये देखिए 2693 इस बंदे के पास हैं, ठीक है, इसने वकार है के नाम से, अब ये नारू ट्रेडर है देखें इसके पास है, और बड़ा फंड दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये इस बंदे को देखें, ये ₹188 का बेच रहा है, $2186 है इसके पास, ठीक है, और ये देखें आदिल अबरार $1197 इसके पास हैं, मिस्टर ट्रेडर देखें इसके पास 1220। आप देखें कितने पेजेस हैं, आपको हर पेज पे सारी डिटेल मिलेगी, और यहाँ पर पेमेंट क्या है देखें, बैंक ट्रांसफर। अब बैंक ट्रांसफर का क्या मतलब यार, मतलब अब यहाँ पर जब आप उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना उसके अकाउंट से डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जितना उसने ऑर्डर लगाया, जितना आपने उसको उससे अप्रूवल मांगी उतना अमाउंट उसके अकाउंट में जाएगा और वहां से आपको डॉलर रिसीव हो जाएंगे। तो जब FIU को यहाँ से हर चीज़ मिल रही है तो वो तो आपको इजीली अरेस्ट करेगी, इजीली आपका अकाउंट बैन कर सकती है भाई, जब आपकी हर डिटेल यहाँ से FIU को मिल रही है। तो कोशिश करें P2P को यूज़ मत करें, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि यार वो लोग जो जिन्होंने जो है डॉलर किसी और से बाय किए हैं लेकिन अपना अकाउंट बैंक अकाउंट यूज़ किया है तो उनके अकाउंट बंद नहीं हो रहे। हाँ, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर आके ऑर्डर लगाया
और उसका फ़ोन नंबर उसने टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, आपने डायरेक्टली कॉल कर ली और अब आपने इजी पैसा या जेस कैश कर लिया, तो फिर आप सेव हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने जो है यहाँ से उसके जो बैंक अकाउंट में भेजे हैं, तो फिर आपका और उसका यानी कि दोनों का बैंक अकाउंट FIA की नज़र में चला गया, FIA अब आपको मतलब फुल फोकस करेगी। तो कोशिश करें P2P को यूज़ नहीं करना है। बाकी स्पोर्ट वाले ट्रेडिंग करते रहें, दिल खोल के ट्रेडिंग करते रहें, मैं भी कर रहा हूँ यार ट्रेडिंग, ऐसी बात नहीं है, मेरा ही फंड पड़ा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं फ़ंड निकाल लूँ अपना, बाइनेंस वाले फ़ंड को FIA हाथ भी नहीं लगा सकती, ये परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना, उस पर कुछ भी नहीं होगा। ये लोग जो स्कैमर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो कोशिश करें P2P को यूज़ ना करें। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।